गोरमेंट पॉलिसीज़ फॉर रेजिंग लॉन्ग रन लिविंग स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट्स पोलिटिकल गोरमेंट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वह अपने लोगों का लाइफ स्टाइल उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ कि उससे वो लॉन्ग रन में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सकें सो so, एक हमने देखा कि इन ग्रोथ मॉडल्स में कि सेविंग रेट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड इन द लॉन्ग रन तो क्या गवर्नमेंट सेविंग रेट्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए ताकि लॉन्ग रन में लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाए इस पर आज हम बात करेंगे अगर तो प्राइवेट मार्केट्स एफिशिएंटली काम करें एडम स्मिथ के टर्मिनोलॉजी में अगर इनविजिबल हैंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो फिर तो गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर ही प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑप्टिमली डिसाइड करेगा कि कितनी सेविंग होनी चाहिए सेविंग क्या है बेसिकली सेविंग आप आज एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन योर करंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन क्या आप आज की कंजम्पशन को कम करते हैं जिसे हम सेविंग कहते हैं सो दैट वी कैन हैव मोर फ्यूचर कंजम्पशन तो ये ट्रेड ऑफ ऑप्टिमल होगा इफ़ प्राइवेट सेक्टर इज़ वर्किंग एफिशिएंटली लेकिन समटाइम्स सेविंग रेट्स प्राइवेट सेक्टर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है और सेविंग रेट्स जो डिसाइड और ऑप्टीमल लेवल है वो नहीं होता तो उसमें फिर गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर सकती है मसलन फ़ॉर एग्जांपल टैक्स लॉज ऐसे होते हैं कि जो सेविंग को डिस्करेज करते हैं अगर इनकम पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है तो वो एक तरह से सेविंग को डिस्करेज करते हैं इनकम के बजाय अगर कंजम्पशन पर टैक्स लगाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सेविंग के लिए एक गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है कि जितना यानी अगर कंजम्पशन पर टैक्स हो रहा है तो इसका मतलब जो पार्ट सेव हो रहा है वो टैक्स से एग्जैम्प्ट हो रहा है इस तरह से टैक्सेस को चेंज करके उसको इनक्रेज किया जा सकता है और टाइम्स ये होता है कि लोग जो होते हैं वो आ, उनके दे आर नाट सो फार साइटेड ना वो बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं और अपने वक्ती फ़ायदे और नुकसान को देख रहे होते हैं तो उस सूरत हाल में भी गवर्नमेंट अगर समझती है कि लोग प्रॉपरली सेव नहीं कर रहे और ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं जिससे उनकी लॉन्ग रन लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अफेक्ट होगा तो उसमें भी फिर गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और इस तरह की पॉलिसीज़ बना सकती है कि जिसके नतीजे में फिर सेविंग रेट में इजाफा हो जाए सेविंग रेट कैसे यह? बढ़ाया जा सकता है एक उसका तरीका तो ये है कि रियल इंटरेस्ट रेट को चेंज करके सेविंग रेट को बढ़ाया जा सकता है रियल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके सेविंग रेट को इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि ये एक इंसेंटिव है जब रियल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा इसका मतलब ये कि जो आप आज सेव करेंगे तो आने वाले कल में आपको उस पर ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा तो दिस विल बी एन इंसेंटिव एंड दिस दिस कैन इनक्रीज लेकिन हम बहुत डिटेल से इस पर बात कर चुके हैं जब हमने सेविंग और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप हमने स्टडी किया था कि डिटेल में हमने देखा था कि एक इनकम इफेक्ट होता है एक सब्सक्रपेशन इफ़ेक्ट होता है और समटाइम्स ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं सम टाइम्स ये सेम डशन में मूव करते हैं तो इसका जो इम्पेक्ट है वो समाइम्स क्लियर होता है समटाइम्स एम्बिगुस होता है तो हम डिटेल में इसको थोरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि एम्परिकली जो इंटरेस्ट रेट का इम्पेक्ट है सेविंग रेट पर ये जो है वो रेलिटिवली स्माल होता है कि इंटरेस्ट रेट को चेंज करके सेविंग बढ़ जाती है एम्पेरिकली लेकिन उसमें जो इजाफा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता सेकंड सेविंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है दूसरा तरीकाकार ये है कि गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स को बढ़ा दे ठीक है गवर्नमेंट अपनी सेविंग को बढ़ाने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कम कर दे या अपने सरप्लस को बढ़ा दे तो ये गवर्नमेंट की सेविंग होगी और ये नेशनल सेविंग का एक पार्ट है नेशनल सेविंग में प्राइवेट सेविंग और प्लस गवर्नमेंट सेविंग दोनों शामिल है तो इस तरह से डायरेक्टली गवर्नमेंट नेशनल सेविंग को इनक्रीज़ कर सकती है लेकिन इसमें भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट अपने जब डेफिसिट को कम करती है या सरप्लस को बढ़ाती है दो तरीके होंगे या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करे ओके या गवर्नमेंट टैक्सेस को इनक्रीज करे तो इन दोनों तरीक़ों से गवर्नमेंट अपनी सेविंग को बढ़ा सकती है तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस कॉन्टेक्स में कि गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर को कम करती है तो वो तो नेशनल सेविंग को बढ़ा देगी लेकिन गवर्नमेंट जब अपने टैक्सेस को इनक्रीज़ करके और एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करके अपने सेविंग को बढ़ाना चाहती है तो रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि लोग जो हैं वो वाइज एनफ एफ हैं वो रैशनल उनका बिहेवियर है वो सारी बात को समझ आते हैं कि गवर्नमेंट आज टैक्स बढ़ा रही है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी तो वो फिर अकॉर्डिंगली अपनी बिहेवियर को एडजस्ट कर देते हैं और कंजम्पशन में चेंज नहीं आती तो इस तरह से गवर्नमेंट जो इसमें रोल प्ले कर सकती है वो भी हमने समझा कि वो उसकी क्या लिमिटेशन हैं थैंक यू वेरी मच